देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है भीम आर्मी और तमाम जम्मू कश्मीर के अम्बेडकराइट्स जो हमारे संगठन हैं और अम्बेडकराइट्स के जितने भी हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, तमाम सारों की तरफ से एक साझा जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है रखी गई है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ही हमारी इंटेंशन है कि जम्मू कश्मीर के अंदर और पर्टिकुलरली जम्मू डिवीज़न के अंदर जो है बड़ी ज़्यादा जो है जम्मू के लोगों को जो है परेशानियां देखनी पड़ रही हैं। जम्मू के अंदर जितने भी जो है जम्मू के डोगरा जो हैं उनको जो है आए दिन जो है दे आर डिस्क्रिमिनेटेड। कहा जाता था कि जो मौजूदा सरकार भाजपा सरकार एक वादा करती थी कि जब आर्टिकल 370 जो है एब्रोगेट हो जाएगा तो उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो है जम्मू के डोगरों के जो है अच्छे दिन आएंगे, लेकिन जब से आर्टिकल 370 की जो एब्रोगेशन हुई है जम्मू कश्मीर के लोगों का और पर्टिकुलरली जो जम्मू के डोगरों के जो हैं बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। और मुझे बड़े खुशी से मुझे ये चीज़ कहनी पड़ रही है कि आज जो है जम्मू के डोगरों को भी जो है इस चीज़ की रियलाइजेशन हो चुकी है कि 370 जो हमारा टूटा था वो बहुत ही जो है घातक चीज़ हुई थी। क्योंकि आज जो है हमें देखने को मिल रहा है कि जितने भी जम्मू डोगराज की जो है एसोसिएशंस हैं, चाहे वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, चाहे वो बार एसोसिएशन हो, चाहे वो युवा राजपूत सभा हो और तमाम जितनी भी एसोसिएशन है सड़कों पे जो है हमें दिखने को मिल रही हैं और उनका सड़कों पे आने का एक ही इंटेंशन है कि वो लोग जो हैं जम्मू के अंदर जो है नीतियां जो है आए दिन जो जम्मू के अंदर जो नीतियां जो है जब 370 टूटने के बाद जो लागू की जा रही हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स हो, चाहे वो इंस्टॉलेशन ऑफ स्मार्ट मीटर्स हो, चाहे वो 50% जो है रिजर्वेशन जो 50% जो कोटा जो है मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है आउटसाइडर्स को जो दिया जा रहा है, चाहे 50% जो कोटा जो है हमारे जॉब्स के अंदर जो है आउटसाइडर्स को दिया जा रहा है, तमाम जो जम्मू के अंदर जो इश्यूज हैं, चाहे वो ज़मीन के इशू हैं, चाहे वो तमाम जो इशूज़ हैं उसको लेकर जो है जम्मू के डोगरा जो एसोसिएशन हैं जो सड़कों पर दिखने को मिल रही हैं। इससे हमें यही समझ आ रहा है कि वो लोग भी आज जो हैं जितने भी जम्मू के डोगरे उनको ये चीज़ समझ आ गई है कि जो आर्टिकल 370 जो है एब्रोगेट हुआ था वो गलत हुआ था। बड़ी खुशी से मुझे ये चीज़ कहनी पड़ रही है कि भीम आर्मी ने और तमाम अम्बेडकराइट जितनी भी एसोसिएशंस हैं और अम्बेडकराइट लोगों ने पहले दिन से इस चीज़ की निंदा की थी कि आर्टिकल 370 को जो जब इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली जो एब्रोगेट किया था। तो मुझे बड़ी खुशी मिल रही है ये चीज़ कहने में कि हमारे जितने भी जम्मू के अंदर जो हैं जितने भी संगठन हैं डोगरा संगठन हैं वो भी उनको भी आज चीज़ जो है ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है कि आर्टिकल 370 जो एब्रोगेट जो हुआ था वो बहुत गलत हुआ था। देखिए, ये कहने को बड़ी बात है कि बड़ी सारी चीज़ें जो हैं वो जम्मू के लिए की जा रही हैं। pre-370 से पहले भी ये क्लेम किया गया था, जब 370 तोड़ी गई थी तभी ये प्रॉमिस किए गए थे कि अब यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, बहुत अच्छे दिन आएंगे, यहाँ पर हर तरह की खुशहाली होगी, ये पिछड़ा हुआ स्टेट है। हालांकि पता नहीं किन ग्राउंड्स पे ये सब बयान किए जाते थे कि यहाँ पे तरक्की नहीं है, बाहर के लोग यहाँ पे, बाहर की इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे नहीं आती हैं, तो ये तमाम तरह के झूठे जो एक यूटोपियन एक दुनिया बनाने की कोशिश की गई लोगों की नज़र में कि 370 टूटेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जब 370 टूटा तो लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, हमारे यहाँ पर लोगों ने ढोल नगाड़े बजाए। तो अब जब सच्चाई से धरातल पर जब लोग आते हैं तो उसके बाद रियलिटी पता चलती है कि वाकई में हम लोगों को हैंडीकैप कर दिया गया, हमारे तो हमसे अंगी काट दिए गए, हमारे बाजू काट दिए गए। 370 एक ओजोन लेयर की तरह काम कर रहा था, हमारे जो लोग हैं, जो लोकल लोग्स हैं, डोगराज हैं, हर तरह की कम्युनिटीज़, हर तरह के लोगों के लिए ये एक ओजोन लेयर की तरह काम कर रहा था, प्रोटेक्ट कर रहा था आपके राइट्स को। लेकिन जब 370 तोड़ दिया गया, हमें हैंडीकैप कर दिया गया, तमाम तरह के हमारे जो राइट्स थे उसको स्नैच कर दिया गया और बसाने की मंशा यही थी कि यहाँ पर जो इसका कल्चरल डेफिसिट जो कल को पैदा होगा, कल डोगरा आइडेंटिटी पे जो हमारी जो लैंग्वेज पे हमारा होगा, कल को तो ये राइट्स कराने वाली बात होने वाली बात है आने वाले। मैं तो इन सब चीज़ों को उसको फोरकास्ट देख रहा हूँ कि आने वाले समय में यूपी बिहार जैसे हाल यहाँ पर होने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं और तमाम तरह के जो मुद्दे हैं, चाहे वो स्मार्ट मीटर वाला आपने कहा है, चाहे वो टोल वाला मुद्दा है, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स वाला मुद्दा है, ये छोटे छोटे मुद्दे हैं यहाँ पर, लेकिन लामबंद हैं लोग, लामबंद हैं। और मैं अपील करना चाहता हूँ, मैं मुबारकबाद देता हूँ कि जम्मू में भी जो कल्चर जो प्रोटेस्ट जो कल्चर बन रहा है प्रोटेस्ट का, ये आगे बढ़ना चाहिए, अपने हकों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। हक जो होते हैं वो आपको फ्री में नहीं मिलते, आपको उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है उसके लिए।
तो ये मुबारक की ये टाइम है कि लोग जो हैं घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने हकों के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन घूम फिर कर मैं सिर्फ एक ही बात करूँगा, तमाम तरह के संगठन यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम इशू पे यूनिटी की बात करते हैं, इशू पे जो लोगों के पब्लिक एट लार्ज के मुद्दों को एड्रेस कर रहा है, पब्लिक एट लार्ज को उसको उनके हितों की बात करता है, तो हम उन मुद्दों पे लोगों के साथ हैं, हम उन संगठनों के साथ हैं जो लोगों की बात कर रहे हैं। और हम अपील करते हैं लोगों से कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अपनी आवाज़ को बुलंद करें। और घूम फिर कर आउट ऑफ द ब्लू सारी चीज़ें, इसके पीछे की एक स्टोरी 370 ही है, तो हम लोगों को खुलकर 370 पे बात रखनी चाहिए। डरने की कोई बात नहीं है, ये हमारे हक की बात है। 370 पे लोग इतना डर चुके हैं, मीडिया वालों को भी ये बोला गया है कि आप 370 पे बात नहीं करेंगे, आप पे FIR हो सकती हैं। और नेशनल मीडिया पे ये साथी जो है, हमें अंदर की खबर जो है कि मीडिया वालों को, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनको बोला गया है कि इन सब चीज़ों पे बात ना करें। इतना बड़ा मूवमेंट हो रहा है J&K के बीच में, लेकिन आपको नेशनल पटल के ऊपर राष्ट्रीय मीडिया के बीच में आपको कोई खबर नहीं मिलेगी कि लोग स्मार्ट मीटर्स के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। मीडिया में तो ये भी चल रहा है कि भाजपा अच्छाइयाँ गिना रही है कि 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोग खुश हैं और जम्मू कश्मीर की तकदीर बदल गई। नहीं, वही चक्कर है ना, लोग विरोध नहीं कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोग, इक्का दुक्का संगठन अगर विरोध करता तो उसे विरोध नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जब टाइटैनिक जहाज डूबा था ना, टाइटैनिक जहाज डूबा था तो हमारे दिमाग में दो ही बंदों के नाम आते हैं, वो जो लड़की डूबी और लड़का डूबा, वो लव स्टोरी हमें याद आती है। लेकिन उस टाइटैनिक जहाज के बीच में 1600 लोग और भी मर गए थे। ये जो इमेज बिल्डिंग की जाती है यहाँ पर, ये जो यहाँ पर पब्लिक को नहीं छोड़ा जाता, यहाँ पर किसान आंदोलन की अगर हम बात कर लें, वहाँ पर भी ये बड़ी सारी चीज़ें कही गई थी कि मोदी जी आप वहाँ पर आकर बोलते हैं कि भाई मैं लोगों को समझा नहीं पाया, किसान भाइयों को मैं ये जो किसानों के बिल समझा नहीं पाया, हम में से ही कोई गलती हो गई थी कि हम समझा नहीं पाए। भाई, आपने लोगों की एस्पिरेशन को जानने की कोशिश की, कौन से एक्सपर्ट्स बुलाए थे आपने, जो किसानों की राय लाने जानने की कोशिश की, ये सारी इमेज बिल्डिंग होती है कि वहाँ पर लोग खुश हैं, जम्मू कश्मीर में लोग बड़े मतलब अच्छे से रह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई दुखी है, इवन BJP वाले भी दुखी होंगे। मैं बिल्कुल ये सच कह रहा हूँ कि जो मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स हैं BJP में थे, वो आज गालियाँ निकाल रहे हैं लोगों को, जो इन्होंने जो जम्मू कश्मीर के साथ किया हुआ है। कश्मीरियों का कुछ नहीं किया, वो आज भी लड़ रहे हैं और कल भी लड़ रहे थे, हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन डोगरा लोग आज कल ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर, वो खत्म हुई है, उसमें मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन कल कश्मीर खुला हुआ था, लेकिन कल जम्मू बंद था, बहुत बड़ी बात है। कल कश्मीर खुला हुआ था, जम्मू बंद था। एब्रोगेशन ऑफ 370 का किसको फ़ायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ? डोगरों को नुकसान हुआ, लोगों को नुकसान हुआ। जो जम्मू डिवीज़न है उसमें तमाम सभी संगठन, उस कारकर जो हमारे लोग हैं, उन लोगों को नुकसान हुआ। 20 दिन से जो जम्मू का माहौल, जो पूरा जम्मू का डोगरा देख रहा है, वैसा दौर मैंने आज तक नहीं देखा, और देखा तो सिर्फ पंजाब में देखा। अगर पंजाब की यूनिटी की बात करें, हम जिस तरह से टूल बंद किया पंजाब वालों ने, कम से कम एक साल तक उनका टूल बंद रहा। हाल ही में फिर से वहाँ पे पंजाब में एक टूल की बात आई है, एक बंदे ने अपने खेत से ही मोड़ के दूसरी तरफ से जो रास्ता दे दिया गया। तो टूल पे हमें ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों टूल फिर से वहाँ पे लगेगा। हमें एक प्रॉपर कोई ऐसा एजेंडे पे बात करनी, जैसे स्मार्ट मीटर हो गए, आम लोगों के जो गरीब तबका है उनकी मार उन्हीं को पड़ रही है। उसमें उन्होंने ये बताया कि जिस तरह के आप जम्मू के जो डोगरे जो जिनको डिटेन किया गया था 25 से 26 लोगों को, स्मार्ट मीटर तो लगेंगे सर, जिस तरह से इस BJP गवर्नमेंट ने, ये आज इन्होंने 5 महीने का टाइम मांगा है कि 5 महीने के बाद फिर से ये स्मार्ट मीटर लगेंगे, ये पुलिस अपने पुलिस के बल पे लगाएंगे, सुरक्षा कर्मचारियों के बल पे लगाएंगे, वो लगेंगे। लेकिन जिस तरह से स्मार्ट मीटर को भी एक तरीके से क्लियर किया गया, जैसे कि जम्मू में बेरोस के जो हैं लोग, उनको वो टेस्ट कर रहे हैं, ये वही लोग थे जिन्होंने 370 टूटने पे ढोल बजाए थे, जम्मू में लड्डू बांटे थे और BJP को सपोर्ट की थी, चाहे वो तन से थी, धन से थी, मन से थी, तीनों चीज़ों से इन लोगों ने सपोर्ट की। आज जो BJP के वही लोग हैं जो आज BJP को गाली भी निकाल रहे हैं, और इन्हीं के द्वारा इन्हीं के लोग मीटर टेस्ट कर रहे हैं। भाई, आम लोगों के घर में आए ना, जिनका 10-10 हज़ार रुपये महीने का बिल आ रहा है, एक उनका पंखा चलता है, दो बल्ब जलते हैं, और 11 हज़ार रुपया कृष्णनगर में बिल आ रहा है लोगों का,
उनके घरों में जाकर उन मीटरों को चेक किया जाए। आप एक टेबल पर बैठ के और लोगों को आप सफाइयाँ दे रहे हो कि भाई हमने मीटर चेक किए, ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, वैसा धांधली नहीं होनी चाहिए। हम तमाम उन मुद्दों पे हम आज बात करेंगे जो जम्मू के लोगों के लिए जो घातक है। अब आप मुझे कह रहे हैं कि मैं मीटर चेक करूं, अगर आपको कोई विश्वास नहीं है, लेकिन आए ना, जम्मू के हर एक जितने भी संगठन हैं उनको इन्वाइट किया जाए इस तरीके से कि उन लोगों के सामने, उन लोगों के बीच में, चुनिंदा लोगों के बीच में से उठ के उनकी पुष्टि की जाए कि हमारे में पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे वो आप इंजीनियर निकाल लो, कहीं भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कहीं भी कोई बंदा निकाल लो, तो भाई दूध का दूध पानी का पानी होता है। वो खुद ही बंदे अपने भेज के खुद ही चेक कर रहे हैं, मतलब कि टीचर खुद ही पेपर लिखेगा और उसका आंसर देगा और खुद ही चेक करेगा। बिल्कुल, जिस तरह से आपके माध्यम से हमें इस चीज़ का पता चला, हम इसके ऊपर बात करेंगे और ज़रूर हमारे सतीश जी हमारे साथ हैं, एडवोकेट की टीम हमारे साथ है, अगर हमें मौका मिलेगा ये आवाज़ उठाने का और यहाँ तक पहुँचने का तो हम यहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगे। मैं एक बात और करना, जो एक पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूँगा कि एडीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि हमें बीजेपी का रिप्रेजेंटेशन आया। इतिहास में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि कोई एडीजीपी है वो बोल रहा है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा है कि उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रशासन जो है किसी मेनस्ट्रीम पार्टी के साथ मिलकर किस तरह से लोगों की एस्पिरेशन को नहीं देख रहा है, अपना तानाशाही रवैया अपना रहा है, लोगों की एस्पिरेशन को मार रहा है, लोगों का दमन कर रहा है। तो वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी हम उनको कंडेम्ड करते हैं कि उन्होंने, आप बाकी संगठनों की बात नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वहाँ बीजेपी की तरफ से भी एक रिप्रेजेंटेशन आया है, बीजेपी की तरफ उन्होंने भी बोला हुआ है, उन्होंने ये कहा कि बीजेपी वो कह रही है कि स्मार्ट मीटर्स को इम्प्लीमेंटेशन करें। आप देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाँ वहाँ पर उन्होंने ये दिया हुआ है। तो मतलब कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि घूम फिराकर लोगों की एस्पिरेशन के साथ खेला जा रहा है और इशू पे यूनिटी की हम बात करते हैं, इशू पे हम सब लोग साथ हैं, डोगरा कल्चर पे हम बात करते हैं, हमारी डोगरा आइडेंटिटी पे हम बात करते हैं, तमाम तरह के संगठन, हम अपनी लड़ाइयाँ हम लड़ रहे हैं, लेकिन जब पब्लिक एट लार्ज की बात आएगी हम सब साथ खड़े हैं और इसके बीच में हम शाना बचाना जो भी लोग मेन स्ट्रीम में हैं, चाहे हमारे भीमारवी वाले हों, चाहे वो गुरविदास सभा वाले हों, चाहे जो भी जितने भी संगठन हमारे जो काम कर रहे हैं, उन सभी के हम साथ हैं। धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये देकर के आरटीआई इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके।